वंदे मातरम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 मार्च से हमारी सेमेस्टर वन की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। तो आपके सामने कुछ एक शब्द लिखे हुए होंगे, आपको उसका अर्थ लिखना होगा। तो पहला है नन्हा, छोटा, कदम, पैर, आदेश, हुक्म, आज्ञा, शायद, कदाचित, कुटिया, झोंपड़ी, निकट, नज़दीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, हरियल, हरे रंग वाला। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दो। ठीक है, प्रश्न नंबर दो क्या है कि अंकों में लिखिए। तो यहाँ पे गिनती जो है आपको शब्दों में दी गई होगी। ठीक है, आपको उसके सामने अंकों में लिखना होगा। तो पहला है 22 यानी 22, आपको हिंदी में ही अंक लिखने होंगे, अंग्रेजी में नहीं। 29 29, 48 44, 37 46, 31 50, 37 42। ठीक है, आगे हम प्रश्न नंबर तीन देखेंगे। किन्हीं छह सब्जियों के नाम लिखो। तो फूलगोभी, लौकी, टमाटर, पालक, बैंगन, प्याज, करेला, गाजर, आलू, परवल, भिंडी, मूली। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। किन्हीं छह फलों के नाम लिखो। चीकू, नारंगी, आम, केला, जामुन, नारियल, अमरूद, तरबूज, अनार, ईक, संतरा, शरीफा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर एक ख़त्म होता है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दो। ठीक है, प्रश्न नंबर दो में क है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो आपको काउंस में जो शब्द दिए हुए हैं उनको चुनकर जो सही होगा उसे ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट है लड़के खेल डैश रहा है, लड़के है ना, तो खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलता हूँ, तो खेलता हूँ एक ही है ना, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो किताबों बहुत सारी है ना, तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? फिर आगे देखेंगे हम डैश, हम यानी कि बहुत सारे, तो हम पढ़ता है नहीं आएंगे, क्या आएगा? हम पढ़ते हैं। बच्चे डैश, ठीक है, बच्चे खेल डैश, तो बच्चे हैं ना बहुत सारे, तो बच्चे खेल रहे हैं। फिर आगे दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं नहीं, रहा है मतलब एक ही, तो दो घोड़ा दौड़ रहा है। ये डैश, तो ये राजा है, ये राजा है। आगे देखेंगे हम डैश, हम खेल रहा है नहीं, हम खेल रहे हैं। आगे किताबों में रामायण नहीं है, इन किताबों में रामायण नहीं है। आगे लड़के ने लड्डू दिया, उस लड़के ने लड्डू दिया। आगे देखेंगे हम कबड्डी खेलने जाएंगे। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दो का ख। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सही गलत का निशान लगाओ, यानी कि राइट और रॉन्ग। चिड़ियाघर में लोग रहते हैं, रॉन्ग जानवर रहते हैं ना, मगरमच्छ पानी में रहता है, राइट। लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं, रॉन्ग।
चिड़ियाघर में कोई जानवरों को पानी पिलाता है? नहीं, है ना, वो तो जंगली जानवर है ना, उनके पास जाएंगे तो वो खा जाएंगे हमें। भरत श्री राम के दुश्मन थे? रॉन्ग, वो तो उनके भाई थे ना। श्री राम को वनवास कैकेयी ने भेजा था? राइट, जो भरत जी की माता थी कैकेयी, उन्होंने श्री राम जी को वनवास भेजा था। नन्हा राही बाधाओं को देखकर डर जाता है? रॉन्ग, वो डरता नहीं है, वो निडर होकर आगे बढ़ता है। नन्हा राही बड़ा होके देश का सहारा बनेगा? यस, वो बड़ा होके देश का सहारा बनेगा। नन्हा राही सबको दुश्मनी का चलन सिखाएगा? नहीं, रॉन्ग, वो प्यार का चलन सिखाएगा। लक्ष्मण भरत को देखकर खुश हो जाता है? रॉन्ग, लक्ष्मण भरत को देखकर खुश नहीं होता है, क्योंकि भरत की वजह से राम जी को वनवास आना पड़ा था, तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगता था कि उन्हीं की वजह से उन्होंने माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास भेजा है, तो वो दुखी हुए थे, खुश नहीं हुए थे। नन्हा राही रास्ते पर डर डर के चलता है? रॉन्ग, वो निडर होके चलता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चहकने लगते हैं। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो कि राम सीता और लक्ष्मण वनवास गए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, है ना। फिर आगे है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होके चलेगा। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो कि नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक खोल है। राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को खड़ाऊ दिए, यानी कि जो लकड़े की बनी हुई चप्पल होती है उसे बोलते हैं खड़ाऊ। तो आप इस असाइनमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा और परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। वंदे मातरम।